दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है आपने देखा होगा, जैसे इंसुलिन के जो है जैसे इंजेक्शन लेते हैं और वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आज की तारीख में अवेलेबल है। और जैसे आपने देखा होगा कई बार एक वो आइडिया आता है ना कि साईफाई मूवी में दिखाता है कि आपने ह्यूमन क्लोन बना दिए हैं, या फिर आपने ये देखा होगा कि पर्सनलाइज जीन थेरेपी का जमाना आने वाला है। तो ये सब जो है एक ही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो कैसे ये ओरिजिनेट हुआ और अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक जेनेटिक टाइमलाइन के बारे में, जिसमें मैंने डार्विन के टाइम से जो है स्टार्ट किया था टाइम, और अप टू खुराना, जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे जिन्होंने डीएनए कोडोन जो है वो डिस्कवर किए थे, वहाँ तक मैंने बताया था। तो दैट वाज प्योरली एक तरह से दैट वाज एन एरा जहाँ पे जेनेटिक की बात हो रही थी, जेनेटिक्स की प्योरली बात हो रही थी। अब उसके बाद में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का जमाना स्टार्ट हुआ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, उसका जमाना स्टार्ट हुआ। तो मैं एक तरह से कैसे इसका ओरिजिन हुआ और आज की तारीख में क्या क्या जो है हॉट रिसर्च आजकल चल रही है, ऑनगोइंग रिसर्च क्या चल रही है, उसके बारे में बता रहूँगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बैक इन 68 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको डिस्कवर किया गया। और ये होता क्या है कि जैसे डीएनए के बारे में आपको जैसे समझ में आया, तो उसको काटने का जो काम है, मतलब सीजर का जो काम है, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, वो जो है वो इस तरह के मशीनरी जो है वो डिस्कवर हुई सबसे पहले। लेकिन फिर जो है सवाल उठा कि अगर ऐसा है तो क्या है जिस वजह से इसकी जो जहाँ से आइसोलेट किया गया जैसे बैक्टीरिया से, तो वहाँ पर ये क्यों नहीं कट रहा है। तो वहाँ पर जो है एक मैथिलेस करके, डीएनए मैथिलेस करके एंजाइम है, उसका डिस्कवरी हुई। और इन दोनों ने बेसिकली अंडरस्टैंड करने में हेल्प किया कि किस तरह से ये जो मशीनरी है वो काम करती है, और वो मैथिलेज जो है एक तरह से बैक्टीरिया का अपना इम्यून सिस्टम होता है। उसी के जो है आने वाले साल के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके जो है एंजाइम है, जिससे ये पता चला, उसको आइसोलेट किया गया, जिससे ये समझ में आया कि अब जो है पॉसिबल है कि आप किस तरह से आरएनए से वापस डीएनए बना सकते हो। और फिर फाइनली 1973 के अंदर जो है एक एनिमल जीन जो है वो क्लोन किया गया। यानी कैसे समझ लो कि एक एनिमल का जो है वो जीन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो एक बैक्टीरिया के अंदर क्लोन कर दिया गया। एंड दैट वाज अ बिग लीप इन द एरा ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और यहाँ से जो है एक तरह से क्लोनिंग की और जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग हो गई। उसके आने वाले साल के अंदर जो है एक और इम्पॉर्टेंट जो है डिस्कवरी हुई, दैट इज़ डीएनए सीक्वेंसिंग। और इसने बेसिकली जो है आप पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हो। ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी आने वाले बहुत जो साल थे, जैसे जैसे हम बात करेंगे आपको समझ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। तो पहली जो है एक बायोटेक कंपनी जेनेंटेक नाम से खुली, जिसने जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये रियलाइज किया गया कि ये बहुत सारे डीएनए सीक्वेंसिंग करते हुए और बहुत सारी चीजें होते हुए काफी जो है वो हमें एक डेटाबेस चाहिए जहां पे हम जेनेटिक एंट्रीज कर सके। तो एक जेन बैंक जो है वो डेटाबेस जो है स्टार्ट किया गया। और उसके बाद में जो है आने वाले अगले साल के अंदर जो पहला जो डिजीज जीन है हंटिंगटन, वो मैप जो है किया गया। और ये एक तरह से स्टार्टिंग हुआ, जिसकी वजह से जो है पर्सनलाइज जीन थेरेपी की डायरेक्शन में ये एक तरह से पहला कदम था। उसके बाद में जो है मतलब एक तरह से सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च उसी समय पे हुई थी, वो है कि जो है कैरी मुलिस ने पीसीआर को जो है इन्वेंट किया था, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपको अगर एक डीएनए का मैंने आपको कॉपी दे दी, तो आप उसके मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हो within just few hours. तो it was one of the biggest leaps of the biotechnology industries, और जिसकी वजह से आगे बहुत ज़्यादा help हुई। और उसके जो है बाद में आपने नाम सुना होगा अक्सर DNA fingerprinting का, जिसके थ्रू जो है बहुत सारे forensic cases में जो है help मिलती है, आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं कि कौन इसका माँ बाप असली कौन है, या फिर मतलब rapist कौन है, या फिर murderer कौन है, ये सारी चीज़ें जो है आप पता कर सकते हो। और फिर जो है एक तरह से जैसे जैसे, क्योंकि मैंने जैसे बताया पर्सनलाइज थेरेपी की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, तो ह्यूमन ग्रोथ प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। और ये जो है इस सबसे पहले इसको सीरियसली लेना स्टार्ट किया गया कि भाई अगर जब तक हमें हमारे पूरे जीनोम का पूरा सीक्वेंस नहीं पता होगा, तब तक हम कोई भी पर्सनलाइज थेरेपी इस डायरेक्शन में नहीं कर सकते। और फिर जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद में, जैसे फ्लेवर सावर करके आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में या कहीं पे, फ्लेवर सावर करके टोमेटो जो है वो बनाया गया। इट वाज द फर्स्ट जीएम प्रोडक्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सारे आजकल मार्केट में बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बहुत कुछ है, लेकिन ये फ्लेवर सावर जो है पहला जो है एक तरह से इन्होंने टोमेटो जो है वो एक तरह से उत्पाद था जो इन्होंने बनाया। अब उसके बाद में जो है आने वाले साल है उसके अंदर तो लाइन लग गई, बहुत सारे जीनोम सीक्वेंस जो हैं वो मतलब वन बाय
वन करके आने लगे, उनमें से जैसे बैक्टीरियल जीनोम जो है, जो ई कोलाय आपने सुना होगा उसका जीनोम सीक्वेंस हुआ, सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो यीस्ट है उसका किया गया, जो ई जो सी एलिगेंस है उसका किया गया, ह्यूमन क्रोमोसोम जो 22 है उसका सीक्वेंस जो है वो मतलब सीक्वेंस कर दिया गया, उसका जो भी सीक्वेंस है। और एट द सेम टाइम जो है आपने पढ़ा होगा डॉली करके एक जो शीप होती है, मतलब जो भेड़ होती है, वो एक ट्रांसजेनिक जो है एनिमल जो है पहली बार हमने एक तरह से बनाया। तो अभी तक हमने ट्रांसजेनिक माइस बनाया था, हमने जो है फ्लेवर सावर टोमेटो बनाया था, तो प्लांट के लेवल तक बात थी, लेकिन हमने कोई भी जो है मेमेलियन एक तरह से कोई भी एनिमल नहीं बनाया था। और ये डॉली शीप जो है हमारी एक तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स थी, और इसने जो है आगे जाके बहुत सारी और भी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ओपन अप की। धीरे धीरे इसी तरह से हम और आगे चलते हैं, तो ड्रोसोफिला जो है, जो उसका भी सीक्वेंस जो है वो डन हो गया, जो 2002 के अंदर जो माउस है, रैट है, इनका भी जीनोम हो गया। और जो बैक इन 1990 जिसकी मैंने बात की, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था, वो फाइनली 2003 के अंदर ख़त्म हो गया। यानी कि एक तरह से हमारे हाथ में पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस जो ह्यूमन का है वो एक तरह से आ गया। इसी की तरह जो है आगे चलते हुए जो चिंपैंजी का जीनोम है वो भी जो है हमने जो है करके दिखा दिया पूरा का पूरा सीक्वेंस। और इसके बाद जो एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग जो है टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉल्ड NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो जैसे मैंने DNA सीक्वेंसिंग की बात की थी कि वो पहले आया था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जो है काम करके देती थी, तो ये जो है वो लॉन्च किया। और उसी के साथ में जो है कैंसर जीनोम भी जो है वो हमारे पास में आ गया, ज़ेब्राफिश का जीनोम भी जो है वो हमारे पास में आ गया। अब ये जो है हमारे पास में जीनोम जितने भी मैंने बात की हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म है अलग अलग डिजीज़ को समझने के लिए, अलग अलग कंडीशंस को समझने के लिए। तो ये इनका हमारे पास में आना जो है हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और अभी तक रहा भी है, इसलिए इन जीनोम का सीक्वेंस होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और है भी। और अभी जो 2019 के अंदर जो अभी जो हॉटशॉट जो सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रही है क्रिस्पर कैस 9 पे, जिसमें एक तरह से उसने ओपन कर दिया एक रास्ता कि पर्सनलाइज थेरेपी की डायरेक्शन में, और ये जो है एक तरह से अभी जेनेटिक इनहेरिटेंस माइस के अंदर जो दिखाई गई है, तो इसने एक तरह से अभी बहुत वो मचा रखा है, मतलब कि भाई इसने बहुत लोगों को होप दे रखी है, स्कोप दे रखा है, और ये इट्स अ काइंड ऑफ हॉट सेलिंग केक राइट नाउ इन द वर्ल्ड। एट द सेम टाइम अगर आपको जो है मतलब जानना हो कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो मैंने एक पहला वीडियो बनाया है उसके बारे में, आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर जाके डिटेल में ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।